हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेयोगे प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं जहां पे क्रिकेट का महाकुंभ और इंडिया का त्यौहार यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जो कि फैंस को इस लीग का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, जो कि 2 महीने तक चलने वाला आईपीएल वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो कि सीजन 17 के पहले ही मैच में दो धुरंधर टीम जो कि आमने सामने होने वाले हैं। एक तरफ हमें महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी साइड हमें विराट कोहली की आरसीबी देखने को मिलेगी। यह मैच 22 मार्च को चेन्नई के एम एस चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 65% रहेगा और टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं, चलते हैं इनका विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 43% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का स्कोर 162 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का स्कोर 150 है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सीएसके 7 मैच जीत के आ रही, तो वहीं पे आरसीबी 3 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं पहली टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे 5 बार की चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन टीम के लिए इस बार टाइटल डिफेंड करना इजी नहीं होगा, क्योंकि टीम में कई ऐसे प्लेयर जो कि इंजर्ड हो चुके हैं, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के कैप्टन और शायद ये उनका लास्ट ईयर भी हो सकता है। यहाँ पे ओपनिंग में हमें टीम के लिए जहाँ पे न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि खेल सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेटर जो कि आज इनके रहने उतर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे डैरी मिचेल और मोइन अली की जोड़ी देखने को मिलेगी, वहीं पे लोअर ऑर्डर में जहाँ फिनिशिंग के लिए धोनी और समीर रिजवी रहेंगे। वहीं बॉलिंग में बात करेंगे जहाँ पे इंडियन पेसर दीपक चहरन, शार्दुल ठाकुर जो टीम को लीड करेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में जहाँ पे भारतीय दिग्गज रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड के मोइन अली देखने को मिलेंगे, जहाँ पे तुषार देशपांडे को भी मौका मिल सकता है। वहीं बांग्लादेश के जहाँ पे पेसर मुस्तफिजुर रहमान जो टीम में एडेड हुए हैं। अब बात करते हैं सीएसके का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे सचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ है, अजिंक्य रहाणे, डैरी मिचेल है, मोइन अली, समीर रिजवी है, एमएस धोनी है, रविंद्र जडेजा है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ है, एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा है। अब आगे बात करते हैं दूसरी टीम यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं। अगर रिसेंटली बात किया जाए, जहाँ पे WPL जीत के आ रही है ट्रॉफी, तो यहाँ पे जो भी मेंस प्लेयर है उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल सकता है, जो कि आरसीबी इस बार कुछ न्यू प्लेयर को भी लेकर आई है और टीम पहले से बेहतर नजर आ रही है। जहाँ पे विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी जो टीम के लिए ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 पर जहाँ पे रजत पाटीदार जो कि खेल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल एंड कैमरन ग्रीन जो कि टीम को स्टेबल करेंगे। मैक्सवेल इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं, जहाँ फिनिशिंग के लिए हमें दिनेश कार्तिक और महिपाल रोमनर की जोड़ी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें, जहाँ पे इंडियन पेसर मोहम्मद सिराज जो टीम को फ्रंटलाइन से बॉलर है, जहाँ में हाल में टेस्ट में डिब्यूट करने वाले आकाश दीप भी टीम में एडेड हुए हैं। इंग्लैंड का जहाँ पे ऋषि टॉपली जो टीम को ब्रेक थ्रू कभी भी दिला सकते हैं। जहाँ पे लॉकी फर्गुसन जो टीम के एक्स फैक्टर है। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे करण शर्मा एंड मयंक अग्रवाल है। अब बात करते हैं आरसीबी का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे फैफ डुप्लेसी जो कि कप्तान है, विराट कोहली है, रजत पाटीदार है, ग्लेन मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन है, दिनेश कार्तिक है, महिपाल लमरोर है, करण शर्मा है, मोहम्मद सिराज है, लॉकी फर्गुसन है, आकाशदीप है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जहाँ पे विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल है, फैफ डुप्लेसिस है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे सीएसके होगा, क्योंकि सीएसके यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है अगेंस्ट आरसीबी के, तो यहाँ पे आरसीबी को हार मिल सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।